हाय, मैं हूं मजर सैयद। क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स देखने के लिए सेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिशा? हाँ माँ। सेलिब्रेशन की तैयारी हो गई सब? मम्मा, अब कितने खाने में से कुछ मिलेगा तब तो सेलिब्रेशन की तैयारी होगी ना। मेरा तय खाना। हाँ, क्या चाहिए तुझे? मम्मा, चॉकलेट सिरप। बिना चॉकलेट सिरप के मैं पापा का बर्थडे केक कैसे बनाऊंगी? सॉरी, मैं भूल गई। मम्मी, मैंने आपको बोला था ना लेकर आने। आप दोनों ना बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। पता नहीं मैं नहीं होती तो आप लोगों का क्या होता। सचमुच तू नहीं होती तो हमारा क्या होता। चलो चलो, ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत काम है और पापा के आने का टाइम भी हो रहा है। मैं ना जल्दी से दुकान जाकर सामान लेकर आती हूँ। ठीक है दिशा, रुक। दिशा, मैं दुकान पे फोन कर देती हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी, अब तो 6 बज गए हैं, वो नहीं होगा वहां पे। आप टेंशन मत लो, मैं लेकर आती हूँ। मैंने कहा ना मैं फोन कर देती हूँ। हाँ सुनंदा जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है ये काम की बातें आप राजेश से किया कीजिए, मुझसे मत कीजिए। और मेरे यहाँ कहीं गिड़गिड़ाने से क्या होगा? नहीं, अभी राजेश घर पे नहीं है। हाँ, आप बाद में फोन कीजिए। देखो दिशा, दिशा मेरी बेटी दिशा। दिशा कौन? मेरी बेटी वो। अच्छा, वो दिशा जो सफेद टी शर्ट और नीली पैंट्स में थी ना? हाँ वही वही, वो यहाँ पे आई हुई थी क्या? हाँ वो आई थी, वो चॉकलेट सिरप चाहिए था उसको, लेके चली गई। चली गई? दिशा, राजेश, राजेश, वो दिशा, दिशा। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? दिशा, राजेश दिशा के मिल नहीं रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजेश मिल नहीं रही मतलब? The number you have dialed is currently unavailable. Please try again later. गुप्ता फोन को लोकेशन ट्रेसिंग पे लगाओ। आप दोनों श्योर हैं कि दिशा किसी फ्रेंड के यहाँ या रिलेटिव के पास नहीं गई? सब जगह फोन करके देख लिया इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता नहीं चला, तभी तो आपके पास आए। सर दिशा जहाँ से गायब हुई है वो काफी क्राउडेड एरिया है, और शाम के समय में वहां से किसी को जबरदस्ती उठाना आसान काम नहीं है। सर लेकिन दिशा को कहीं और जाना होता तो वो चॉकलेट सिरप खरीदती क्यों? मैंने तो उसे मना भी कर दिया था उस टाइम दुकान पे जाने के लिए। लेकिन आपने दिशा को दुकान पे जाने के लिए मना क्यों किया था? वो सर उस टाइम पे सूरज रहता है दुकान पे, और मैंने कई बार देखा है सर, वो सूरज है ना छोटी लड़कियों पे बुरी नजर रखता है। सूरज? नहीं मैडम, वो तो मेरे यहाँ काम करता है। आज सुबह में उसका फोन आया था कि उसे कुछ काम है, इसीलिए एक दो दिन दुकान पे नहीं आएगा। ये लड़की कल शाम 5-6 बजे के करीब इस दुकान आई थी, देखा था इसे? हाँ मैडम देखा था। निकलते वक्त इसके साथ कोई था क्या? हाँ, राजेश कोशिश कर रहा है, किसी मिनिस्टर से भी मिलने गए हैं। मेरा अकेले में इस घर में दम घुट रहा है, तुम प्लीज आ जाओ एक बार मिलने। मैं बाद में बात करती हूँ। सुनंदा जी आप? प्रीति, मैंने दिशा के बारे में सुना इसलिए। आपने सुना तो आप समझ सकते हैं हम किस दौर से गुजर रहे हैं। देखिए मुझे अभी किसी से नहीं मिला। जानती हूँ बुरा वक्त है, इसलिए तो दर्द बांटने आई हूँ। मैं आप लोगों के लिए टिफिन लेके आई हूँ, अगर बुरे वक्त में रिश्तेदार काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? और आप घबराइए मत,
मैंने मन्नत मांगी हमारे परिवार के साथ फिर से ऐसी कोई अनहोनी नहीं होगी। सर आज ही छुट्टी लेकर गली के लड़कियों के साथ रंगोली बना रहा था। तो इसमें मैंने कौन सा क्राइम कर दिया? काम से ज्यादा लड़कियों पे ध्यान रहता ना तेरा, कल दिशा का पीछा क्यों किया था? दिशा? कौन दिशा साहब? चल बता, तू किराने की दुकान पे काम करता है ना? जी साहब। तो सरसों का तेल अच्छा होता है या फिर सोयाबीन का? मुझे तो सरसों का तेल ही पसंद है। अपने पुलिस वाले डंडे को बराबर सरसों के तेल में डुबोना और फिर इसके पिछवाड़े पे पेंटिंग बनाना। अरे साहब आप लोग वो प्रीति मैडम की बेटी की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, मैं कल उसके पीछे गया था, वो चॉकलेट सिरप लेने आई थी तो मुझे लगा उसका बर्थडे है, मैं उसको चॉकलेट देने गया था। रोड तो सीधा ही था साहब, पर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कहीं दिखी नहीं मुझे। और तू 15 मिनट तक उसे ढूंढता रहा? साहब अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो उस फोन वाले से पूछ लीजिए ना। फोन वाला? हाँ साहब, दिशा जब दुकान पे आई थी तो वो पूरे टाइम किसी से फोन पे ही बात कर रही थी। हाँ ठीक है, हाँ ओके यू डोंट वरी, बस मैं निकल रही हूँ। हाँ ओके। गुप्ता 12 घंटे हो गए लेकिन अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन नहीं है। पर सर दिशा का अगर अपहरण हुआ होता तो मार्केट में कोई तो दिखता। सर फोन स्विच ऑफ है तो लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाएगी, लेकिन दिशा के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए। मतलब अगर सूरज सच कह रहा था तो वो फोन कॉल? स्वाति तुम फोन के सर्विस प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करो और उनको बोलो कि मैटर अर्जेंट है। राइट सर। गुप्ता। यस सर। एक बात तो साफ है, दिशा ने दुकान से चॉकलेट सिरप लिया था मतलब वो घर ही जा रही थी। या तो उस फोन कॉल ने दिशा का प्लान चेंज किया है या तो मार्केट में उसे कोई मिला है जो उसे कहीं और ही ले गए। सर मैं दिशा के दोस्तों से पूछताछ करता हूँ। जरूरी नहीं कि दोस्त ही हो, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई ऐसा जो उसे बहुत करीब से जान पाओ। लेकिन अगर वो दिशा के पैसे नहीं चाहता, वो दिशा से चाहता क्या है? सर दिशा की कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, इस नंबर पर आखिरी बार बात की थी उसने, किसी अंकिता गुप्ता के नाम पर है। अंकिता गुप्ता? हाँ सर, दिशा की क्लासमेट, पुलिस स्टेशन बुलाया आती होगी। अंकिता गुप्ता तुम दिशा की क्लासमेट हो? जी सर। तुमने कल दिशा को मिलने बुलाया था? नहीं सर, मैंने बस उसको कॉल किया था अपना सामान ले जाने के लिए। सामान? हाँ सर, उसने मुझे एक बॉक्स दिया था स्कूल के अंदर, कहा कि ये तुम रख लो, मैं घर नहीं ले जा सकती। वो बॉक्स है तुम्हारे पास? देखो अंकिता, दिशा मुसीबत में है, अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो, वो किसी लड़के से मिलती हो या उसके घर से भागने के प्लान्स हो। नहीं सर, दिशा अपनी फैमिली को बिना बताए शहर से बाहर कभी नहीं जाएगी, जब से उसकी दादी गायब हुई है। गायब हो गई? हाँ सर, दिशा ने बताया था एक दिन स्कूल के अंदर कि उसकी दादी एक दिन अचानक से गायब हो गई और पुलिस ने काफी ढूंढने की कोशिश करी पर उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। हाँ मेरी माँ 8 साल पहले लापता हो गई थी, वो शांति वृद्धाश्रम की ट्रस्टी थी, वहीं चैरिटी के लिए पैसे देने जा रही थी और रास्ते से गायब हो गई। लेकिन दिशा के बारे में छोड़कर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मिस्टर सोनी, दिशा भी आपकी माँ की तरह अचानक रास्ते से गायब हो गई। मिस्टर सोनी मुझे बताइए, उन दिनों में आपको कोई फिरौती के लिए फोन कॉल आया था? दिशा को गायब हुए 24 घंटे होने वाले, अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन कॉल नहीं आया, दिशा के कॉल रिकॉर्ड से भी हमें कुछ पता नहीं चला है। अब तक की छानबीन से तो ऐसा लगता है मिस्टर सोनी के दिशा अपनी मर्जी से कहीं गई। नहीं सर, दिशा ऐसी लड़की नहीं थी, वो सब कुछ मुझसे शेयर करती थी। मिस्टर सोनी, ये दिशा का कुछ सामान है जो उसने उसकी क्लासमेट अंकिता गुप्ता के यहाँ रखा था। सर इस ब्रांड का परफ्यूम दिशा यूज ही नहीं करती थी। लेकिन सर हमारे फैमिली में ये दवाई कोई यूज ही नहीं करता है। इसका मतलब आप दोनों को जरा भी आइडिया नहीं कि दिशा के पास ये सब सामान कहां से आए? मिसेस सोनी आप भले ही ऐसा मानती हो कि दिशा आपसे कुछ भी नहीं छुपाती थी, लेकिन दिशा की जिंदगी में डेफिनेटली ऐसा कुछ चल रहा था जिसके बारे में ना तो उसके दोस्तों को पता था और ना ही आप दोनों को। दिशा को तो ढूंढ नहीं पा रहे, माँ के पीछे पड़े हैं पता नहीं क्यों। अब आप कहां जा रहे हो? अब हर चीज क्या तुमसे पूछ के करनी पड़ेगी? ऑफिस में क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, उनके पास जा रहा हूं, तुम टैक्सी लेकर घर आ जाना। अंकिता
राजेश ने देखा नहीं ना, देख लेता तो हंगामा कर देता। सर या तो ये माँ बाप अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानते, या फिर माँ बाप जानबूझकर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हमें इस केस के हर पहलू की जांच करनी होगी। स्वाति एक काम करो, दिशा की दादी के साथ 8 साल पहले क्या हुआ था उसकी केस फाइल निकलवाओ। राइट सर। हो सकता है कि इस केस का पेड़ कहीं और जड़े कहीं और हो। एक मिनट। हाँ सर, यही लड़की थी। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि उसने दवाई खरीदी नहीं बल्कि चोरी करके भागी थी। पक्का यही लड़की थी? सर मैं सीसीटीवी फुटेज लाया हूँ, आप चाहिए तो देख लीजिए। आप जा सकते हैं। जी सर। सर दिशा तो अच्छे घर से, फिर उसे दवाई चुराने की क्या जरूरत है? प्रीति जी ने कहा था कि उनके परिवार में किसी को दिल की बीमारी नहीं है। हो सकता है कि दिशा ने किसी के कहने पर दवाई चुराई हो। लेकिन सर अगर दिशा किसी और के लिए दवाई चुराती तो अंकिता के पास क्यों रखती? सिर्फ वो दवाई नहीं, उस बॉक्स में जो जो मिला है हो सकता है दिशा ने वो सब चुराया। मानो जैसे दिशा एक दोहरी जिंदगी जी रही थी, एक जिंदगी अपने माँ बाप और दोस्तों के लिए और दूसरी ये वाली। दिशा को अगर ढूंढना हो तो उसकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा था उसका पता लगाना हो। पुलिस समझ चुकी थी कि दिशा ऐसी ही किसी महत्वाकांक्षा को लेकर अपने ही घर में दो जिंदगियां जी रही है, एक आइडियल बेटी बनने की और दूसरी वो जो उसने सबसे छुपा रखी थी। और दिशा के गायब होने के पीछे के रहस्य को उजागर करने के लिए पुलिस को दिशा के हर राज के बारे में पता लगाना जरूरी हो गया था। क्या दिशा के इस राज के बारे में कोई नहीं जानता था, या फिर कोई था जो जानकर भी अनजान बना हुआ था? बेटा खाना रेडी है? हाँ माँ आई, एक मिनट। ओके सर, साइबर टीम से कॉल आया था, कुछ देर पहले दिशा का फोन स्विच ऑन हुआ है। लोकेशन? चल चल। साहब सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। जब से वो फोन मिला तब से पासवर्ड मांग रहा है, वो फोन मेरे किस काम का? सर मैंने इसके कॉल डिटेल्स चेक किए, दिशा के साथ इसका अब तक कोई लिंक नहीं मिला। फिर भी इसे रिमांड में रखो और फोन का पासवर्ड ब्रेक होते ही इन्फॉर्म। ओके सर। प्लान में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, जो डील हुई है वही फाइनल है। सर दिशा का फोन अनलॉक हो गया, बाकी सारे रेगुलर मैसेज है, लेकिन ये मैसेज है जो 15 दिन पहले आया है। इनका मैसेज? यस सर। दिशा ने एटीएम से 50,000 रुपए निकाले? सर दवाई की दुकान में चोरी होने के ठीक अगले दिन दिशा ने ये पैसे निकाले। पर दिशा को इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ी होगी? गुप्ता तुम एक काम करो, एटीएम का सीसीटीवी फुटेज चेक करो जल्दी। Yes. देखो राजेश नहीं है तो क्या होगा, मैं तो हूं, और तुम ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? संभालो अपने आप को। मैं आ गया हूं ना, सब संभालूंगा। साले कमीने, तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने? राजेश भैया को छोड़ दो, भैया को मैंने बुलाया था। तू पहले ही मेरा लाखों का नुकसान करा चुका है, अब क्या लेने आए यहाँ? हेलो इंस्पेक्टर साहब। 50,000? एक सेकेंड प्रीति, तुम्हारा और दिशा का जो जॉइंट अकाउंट है उसका एटीएम यूज करके दिशा ने 50,000 निकाले। निकले तो है इंस्पेक्टर साहब। नहीं, दिशा ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। दिशा के पास सब कुछ तो था, जरूर उसे किसी ने बहला फुसला के पैसे निकलवाए। जीजा जी, कुछ हफ्ते पहले मैंने दिशा को 24-25 साल के दाढ़ी वाले आदमी के साथ मार्केट में देखा था, शायद ये सब कुछ उसी ने किया हो। फिर पहले क्यों नहीं बताया मुझे आपने? अरे मेरा पर्स कहाँ गया? ए भाई मेरा पर्स कहाँ है?
हमको क्या पता पर्स कहाँ तुम्हारा? मैं यहाँ बैठकर चाय पी रहा, तुम मेरा पर्स निकाल लिए। यार हद्दों के बदतमीजी की, चोर बोल रहे तुम हमको? कहाँ चोराएंगे तुम्हारा पर्स यार? फालतू की बकवास बंद कर, मेरा पर्स पर्स हाथ किसने लगाया हमको? मेरा पर्स। ओ भाई साहब, ओ ओ शांत शांत, चोर बोल रहे हमको ये। शांत हो जाओ भाई, इसने नहीं चुराया तुम्हारा पर्स। अरे इसने चुराया यार, यहाँ बैठे थे हम। वो भिखारी बैठे ना यहाँ पे, उसने चुराया होगा। मेरा तो 25,000 रुपए महीने का नौकरी जाने वाला था उस भिखारी के चक्कर में। 25,000? हाँ, पर्स में कार्ड था ना नौकरी देने वाले का। ऐसी कौन सी नौकरी है 25,000 रुपए वाली? वो फॉरेन की मार्केटिंग कंपनी। भाई कुछ मेरे लिए भी देखो ना यार, बेरोजगार है हम। 25 में से 15 मैं आपको दे दूंगा। अरे ऐसा तो हम 16,000 दे देंगे आपको, 9,000 में हमारा खर्चा चल जाएगा। देखो ना भाई, अगर कुछ सेटिंग होता है तो। ओए मैडम आ गई। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ कार में। कार में इंटरव्यू? हाँ कार में, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। हेलो मैम। मैडम मेरा नाम भूषण है और ये रहा मेरा सीवी। मैडम मैंने झांसी से मार्केटिंग का कोर्स भी किया है, आप चाहो तो मेरे मार्क्स देख सकते हैं। देखो इस कंपनी में काम करना है तो यहाँ पर दो रूल है। पहला, नेवर कॉल मी मैम, ओनली नित्या। ओके मैम, सॉरी नित्या। और दूसरा, जब तक बोलने को कहा ना जाए अपना मुंह मत खोलो। ओके। देखो मार्केटिंग में काबिलियत फील्ड में पता चलती है, कागज पढ़ने समझे। जी जी सर। सर मैंने दिशा की दादी निर्मला जी की एफआईआर रिपोर्ट देखी, सर कुछ अलग ही है। आखिरी बार इन्हें किसी जगमोहन उर्फ जग्गा के साथ देखा गया और इस जगह के खिलाफ छोटे मोटे फिरौती के केसेस हैं। फिरौती के केस? और फिर भी उसने पैसे नहीं मांगे? हाँ सर, सबूतों के अभाव में इसे बेल मिल गई। लेकिन सर बात अजीब ये है कि बेल मिलने के बाद ये जगह भी गायब हो गई। क्या? बहुत अजीब आदमी था साहब। एक दिन मुझे फोन करके बोला कि टीवी और फ्रिज घर पर भेज दे, बहुत पैसे आने वाले हैं। फिर पता चला कि जगह को पुलिस वालों ने उठा लिया, बाद में जेल से छूटा तो गायब हो गया। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। उसके घर परिवार में कोई और था? उसकी बीवी और 13-14 साल का एक लड़का था। बीवी तो कई साल पहले मर गई, लड़के का पता नहीं। लेकिन गुप्ता, अगर जगह पैसों के लिए अपहरण करता तो फिरौती जरूर मांगता। सर हो सकता है कि फिरौती मांगने से पहले निर्मला जी की मौत हो गई। तो 8 साल बाद अगर उसी जगह ने राजेश सोनी की बेटी को उठाया है तो पक्का ये पैसों का मामला नहीं लगता, कोई आपसी रंजिश का मामला लगता है। ओके सर, मैं जगह को ढूंढने के लिए टीम लगाता हूँ। जगह को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, उसके बेटे को ढूंढो। कोई बाप अपने बेटे से इतने सालों तक अलग नहीं रहेगा। मैडम दुकान पे कोई नहीं था तो मैंने सोचा मैं ही पार्सल लेके आ जाता हूँ। सही बता वरना तेरा खाता भाई सब बंद कर दूंगा। हम सच कह रहे हैं साहब, साहब हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? साहब साहब दुकान में तो सामान हमने ही डाला था थैले में। लेकिन जब हम रास्ते में जा रहे थे तो एक बाइक वाला टकरा गया, सामान गिर गया, उसने फिर वापस थैले में डाला। साहब उसने कुछ हेरा फेरी की होगी तो हमें क्या पता। साहब बाइक वाले की शक्ल याद है? नहीं साहब, वो हेलमेट पहना था। सर पूरी प्लानिंग के साथ किया है सर, पहले दिशा की उंगली काट के भेजी और उसके बाद फिरौती के लिए सुनंदा जी के मोबाइल पे कॉल। ये सुनंदा जी है मेरी कजन, इन्हीं के फोन पर किडनैपर का कॉल आया था। ये आपके साथ रहती है? जी नहीं, हमारे घर पे नहीं रहती है लेकिन हाँ पास में ही रहती है। मुझे डिटेल में बताइए कि किडनैपर ने आपको फोन पर क्या क्या कहा। जी जी, कोई आदमी था और वो बोला कि अभी सैंपल भेजा है और कल शाम 4 बजे तक सीमेंट फैक्ट्री के पीछे वाले रोड पर 1 करोड़ रुपए नहीं पहुंचा है तो वो दिशा की लाश भेजेगा। देखिए आप लोग घबराइए मत, दिशा को बचाना हमारी प्रायोरिटी। राजेश आप कल 2 बजे। डॉक्टर साहब आपको जो करना कीजिए, मेरे पास पैसों का पूरा इंतजाम है, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। सर आखिर ये केस फिरौती का ही निकला सर, लेकिन किडनैपर बहुत होशियार, हर चीज प्लान कर रहा है, तभी तो उसने फिरौती के लिए इतने देर बाद फोन किया। कुत्ता कल कितनी भी प्लानिंग, तुम सबको इन्फॉर्म कर दो कि हमें कल किसी भी हाल में दिशा को बचाना है।
लेकिन सर आपको अजीब नहीं लगता कि इतने सारे पैसे राजेश के पास, वो भी कैश में? हाँ, नोट तो मैंने भी किया, लेकिन फिलहाल मुझे एक ही बात का डर है कि वो माँ बाप कहीं इमोशंस में आकर कोई गड़बड़ ना करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है मुझे क्या करना। पैसों की चिंता तुमसे ज्यादा मुझे है, समझे? अब आगे से मुझे यहाँ फोन मत करना, ठीक है? सर, टीम रेडी है। राजेश को मैंने सब कुछ समझा दिया था कल, फिर भी वो टाइम पर नहीं आया, और कब से घर पे फोन कर रहा हूँ, कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। लगता है कुछ गड़बड़ है, गाड़ी निकालो। मिसेस सोनी, अब घर पर है और आप पुलिस का फोन नहीं उठा रही है, और राजेश कहाँ है? वो सर, देखिए प्रीति जी, अगर आप पुलिस से कोई भी बात छुपाएंगी तो हम दिशा को नहीं बचा पाएंगे। अरे जरा तो समझिए, जो इंसान दिशा की उंगली काटकर भेज सकता है वो दिशा के साथ कुछ भी कर सकता है। सर, राजेश सुनंदा दी के साथ किडनैपर को पैसे देने गए। पर टाइम तो 4 बजे का था ना? पर वो प्रीति, राजेश ये देखो क्या हुआ, कोई मैसेज आया है किसी और नंबर से। क्या मैसेज है, पढ़ो ना। लिखा है पुलिस के पास गए थे, अगर दिशा जिंदा चाहिए तो पुलिस को बिना बताए राजपुर के जंगल के अंदर वाले कुएं के पास आज दोपहर 2 बजे तक आ जाओ। अब क्या करें? अरे क्या करेंगे, वही करेंगे ना जो वो चाह रहे हैं, पैसे देंगे और दिशा को छुड़वाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, कहीं वो लोग हमारे साथ ही कुछ। अरे कुछ नहीं करेंगे वो, उन्हें पैसों से मतलब है बस। आप तैयार रहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। कोई नहीं संभाल पाएगा। मिसेस सोनी, किडनैपर्स ने पहले सुनंदा जी को फोन किया, हमने फोन टैप किया तो उसने SMS की, कोई तो है जो किडनैपर को खबर दे रहा है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। सर, मुझे सुनंदा जी के लिए फिक्र नहीं हो रही है, उनकी वजह से फिक्र हो रही है। मुझे डर है कि ये सब सुनंदा जी कर रही है। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि सुनंदा जी का बेटा विशाल राजेश की फैक्ट्री में काम करता था, एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, तब से सुनंदा जी राजेश के पास उसके मौत का हर्जाना मांग रही है, और राजेश ने अभी तक पैसे नहीं दिए। सोनी, आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, मुझे पहले शक था, पर यकीन नहीं हो रहा था। सर अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज जाइए यहाँ से, सुनंदा किडनैपर्स को पैसे देने गई है, दिशा को लेके आती होगी, कुछ गड़बड़ मत करना। अरे गड़बड़ तो आपने की है मिस्टर सोनी, गलत इंसान पर भरोसा करके। किस तरह गई है सुनंदा? यहाँ गई है, लेकिन आप बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, क्या टैलेंट तो इंडिया में भरा पड़ा है, लेकिन अगर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो बंदे को सिर्फ टैलेंटेड नहीं, स्मार्ट भी होना चाहिए। तो तुम लोगों में से कोई स्मार्ट है? ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर मुझे मूवी देखने के लिए कन्विंस कर लो, अगर मैं मान गई तो ये नौकरी पक्की। मुझे क्या लगता नित्या कि आपको ना हमारे लिए नहीं बल्कि अरमान कपूर के लिए इस फिल्म को देखना चाहिए, क्योंकि उसकी आखिरी फिल्म आने से पहले ही बेचारा चल बसा, तो उसको एक ट्रिब्यूट देना बनता है। आपको क्या लगता है? और अगर मैं बोर हो गई तो? तो हम है ना, हम आपको एंटरटेन कर देंगे, हम बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं। ठीक है, मूवी तो नहीं लेकिन एक ड्रिंक के लिए जरूर कन्विंस कर लिया। शाते रहिए लोग, ये जानते थे कि हम सुनंदा के जरिए उन तक पहुंच जाएंगे, इसलिए उन्होंने सुनंदा को ही मार दिया। दोनों को अब तक किडनैपर्स के कॉल नहीं आए,
पैसे लेने के बाद भी किडनैपर्स ने अब तक दिशा को छोड़ा नहीं। ये बड़े बिजनेसमैन हर चीज को डील समझते हैं क्या? एक हाथ लो दूसरे हाथ दो। राजेश की छोटी सी गलती की वजह से वो किडनैपर्स निकल गए। सर सारे चेक पोस्ट को इन्फॉर्म कर दिया। शहर से बाहर जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं सबकी चेकिंग चल रही है। गुप्ता वो जानते हैं कि चेकिंग होगी, वो लोग शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। सर सुनंदा का फोन मिला है, उसके फोन पे किसी गोकुल नाम के आदमी का हर 2-3 दिन में फोन आता था, आज दोपहर 1 बजे भी आया। सर उसकी कॉन्टैक्ट पे उसका फोटो सेव्ड है, दाढ़ी वाला आदमी है, शायद 30-35 साल का होगा। साहब थोड़ी देर पहले मैंने देखा था उसको, ये रहा गोकुल का घर। भागने की कोशिश कर रहा था। गलत समझ रहे हैं साहब आप। गलत समझ रहा हूँ, चल तुझे सही समझाता हूँ। चल अरे चल 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 तो रहा हूँ साहब। है चल चल रहा हूँ। तेरी पूरी कुंडली निकाली हमने। सच सच बता दिशा कहाँ है? साहब मुझे नहीं मालूम आप किस दिशा के बारे में बात कर रहे हो। तो तुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि तेरा ये पैर कैसे टूटा। मैं याद दिलाता हूँ, विशाल सुनंदा का बेटा, उसी के साथ तू काम करता था ना राजेश की फैक्ट्री में, और जिस हादसे में विशाल की मौत हुई उसी हादसे में तेरा ये पैर टूटा। तेरे पड़ोसी को तेरी सारी खबर है और राजेश ने मुआवजा नहीं दिया, इसलिए तूने और सुनंदा ने मिलकर दिशा को अगवा कर लिया। साहब जब उसने अपनी कजिन बहन के लिए कुछ नहीं किया तो मुझे क्या देगा वो? उस हादसे के बाद अपनी फैक्ट्री को बचाने के लिए राजेश ने सारा इल्जाम अपने साले अविनाश गुप्ता पर लगा दिया और उसे नौकरी से भी निकाल दिया। क्या अविनाश राजेश के साथ काम करता था? और क्या साहब। सर दिशा ने जिस एटीएम से पैसे निकाले थे उसका सीसीटीवी फुटेज आ गया। आप सही थे, दिशा एटीएम अकेली नहीं गई थी। वो सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ और जरा पता करो ये अविनाश आजकल करता क्या है। राइट सर। गीता दिशा ने पहले तुम्हें वो बॉक्स दिया और फिर 50,000 रुपए। आखिर तुम्हारे और दिशा के बीच चल क्या रहा था? सर दिशा ने वो पैसे सिर्फ रखने के लिए दिए थे और कुछ भी नहीं। समझो अंकिता, अगर तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है तो ये केस बार बार घूम कर तुम पर ही क्यों आ जाता है? क्योंकि सर दिशा और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। कुछ दिन पहले तो वो मेरे घर पर भी आई थी, काफी परेशान थी सर वो। क्या हुआ है दिशा तुझे? पहले तो तू इतना बात करा करती थी, अब तू बात ही नहीं करती है। देख मैं तुझे सब बताऊंगी, बस तू मेरा एक काम कर दे, मैं तुझे 50,000 दूंगी, मेरे लिए एक टैब बुक कर देगी। लगता है दिशा को कोई ब्लैकमेल कर रहा था वो टैब। अंकिता तुमने कितने दिन पहले ऑर्डर किया था वो टैब? सर 2 हफ्ते पहले। गुप्ता यस, तुम वो ऑनलाइन साइट से कॉन्टेक्ट करो। इतनी डरिंग मित्र मैडम, अब चलो ना, बहुत टाइम हो गया। अरे जब बॉस एंजॉय कर रही है तो तुम्हें क्या जल्दी है, चुपचाप बैठे रहो। मैं जरा होके आता हूँ। मेरे सामने एक बार डेयरिंग करके दिखाओ तो मान। किडनैपर ने पैसे भी दिए और दिशा को भी नहीं छोड़ा, मुझे डर है कि वो कहीं दिशा को। दिशा अब तक आपके पास होती, अगर आपके परिवार को पुलिस पर भरोसा होता तो, और यही भरोसा ना करने की वजह से आपकी कजिन सुनंदा जी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। गलती तो हमसे हो गई है सर, लेकिन क्या अब हम कभी दिशा को ढूंढ नहीं पाएंगे? ढूंढ पाएंगे, जरूर ढूंढ पाएंगे, अगर आप सब हमसे सच कहना शुरू करेंगे तो। सर आपको जो पूछना पूछिए सर, अब हम सब कुछ सच बताएंगे आपको। ठीक है तो बताइए कि राजेश जी ने आपसे सारे रिश्ते नाते क्यों तोड़ दिए? वो सर हमारा फैमिली मैटर है सर। फैमिली नहीं बिजनेस मैटर है। ब्लडी रेपिस्ट, तुम दोनों को तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना। मैडम माफ कर दीजिए, तू लेकर आया था ना इन बदमाशों को मेरे पास, तेरी भी नौकरी गई, तुझे भी पुलिस के हवाले करूंगी। मेरी मत मारी गई थी कि मैंने तुम दोनों का भला सोचा। ये सुनंदा जी का बेटा विशाल है और ये गोकुल। एक का पैर गया और दूसरे की जान, और वो भी आपकी लापरवाही से। आप राजेश जी की कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के मैनेजर थे, आपकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ और इसीलिए राजेश जी ने आपको उनके दिल से और काम दोनों जगह से निकाल दिया। नहीं सर, भैया की कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ एक हादसा था। हादसा हो सकता है मिसेस सोनी, लेकिन उसके बाद जो अविनाश जी ने किया वो उनकी प्लानिंग थी। अविनाश जी के पास काम नहीं था, जमा पैसे खत्म होने लगे थे, फिर भी अविनाश जी ने एक महंगा वाला टैबलेट खरीदा
वही टैबलेट जिसके लिए दिशा ने एटीएम से पैसे निकलवाए और अपनी क्लासमेट अंकिता गुप्ता के पास ऑर्डर करवाए। ऐसा क्या जानते थे दिशा के बारे में जो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे? साले कमीने, क्या किया तुमने दिशा के साथ? छोड़िए, और उसके बाद आपने एक 20-25 साल के दाढ़ी वाले आदमी की कहानी शुरू की ताकि हम आप तक ना पहुंच पाए, है ना? मैंने झूठ बोला सर, लेकिन सर ये मैंने मेरे बेटे अंकुश को बचाने के लिए बोला सर। वो अनजाने में ही वो दिशा को ब्लैकमेल कर रहा था सर, बस इसीलिए मैंने ये। दिशा ने कुछ सामान देने के लिए अंकुश को मार्केट में बुलाया, तभी अंकुश ने देखा। दी आपने चोरी की? चोरी नहीं, ये तो फन के लिए है। वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड यही रहती है, उसने मुझे डेयर दिया था। तू अभी छोटा है, तू नहीं समझेगा। तू एक काम कर, ये संभाल ले और तू घर जा, मम्मी ने बुलाया। दिशा दी डर गई थी कि मैं पापा को सब बता दूंगा, इसीलिए उन्होंने मुझे फोन किया था। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा अगर मुझे टैबलेट मिला तो। पर जब थी गायब हुई, मैंने पापा को सब बता दिया। दिशा कह रही थी कि उसकी फ्रेंड ने उसे डेयर दिया है। बेटा आपने दिशा के साथ किसी को देखा था? हाँ, और मुझे ये भी याद है कि दी मुझे सामान देने के बाद किस घर में गई थी। स्वाति। हाँ गुप्ता बोलो। सर इस घर में दिशा की बॉडी मिली है, जग बेड के अंदर प्लास्टिक में रैप्ड है और इस वजह से स्मेल बाहर नहीं आई और आसपास के लोगों को पता नहीं चला। गुप्ता उस बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो और उनको बोलो कि रिपोर्ट जल्दी प्रोसेस करें, क्योंकि हमें ये न्यूज दिशा के पेरेंट्स तक भी पहुंचानी है। और उस घर की अच्छे से तलाशी लो और उस घर के लैंडलॉर्ड से भी बात करो। एक दो महीने से ही थी यहाँ पर साहब, अब लड़की थी तो मैंने ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं करी। हाँ इतना पता है कि किसी वृद्धा आश्रम में मैनेजर थी साहब वो, और उसकी कार यहीं पीछे पार्क है साहब। पुलिस ने इस केस की जांच हर पहलू से की, लेकिन किडनैपर्स का फिरौती के लिए लेट कॉल आना, पैसा मिलने के बाद भी दिशा को ना छोड़ना पुलिस के दिमाग में संदेह पैदा कर रहा था। इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस को उन सभी रहस्यों को खोलना था जो खुद दिशा के करीबी पुलिस से छुपा रहे थे। I'm sorry, Mrs. Sun, लेकिन पोस्टमार्टम के मुताबिक जिस दिन दिशा का किडनैप हुआ उसके अगले ही दिन उसका मर्डर हो गया था। क्या कमाल है मिस्टर सोन, आप क्यों चौंक गए? और आपका चेहरा देखकर तो लगता है कि आप तो पहले से बहुत कुछ जानते थे। शांति वृद्धाश्रम नाम याद है कि वो भी भूल गए? जानता हूँ, एनजीओ है, मेरी माँ ने शुरू किया था, मैं भी ट्रस्टी हूँ इसमें, लेकिन आजकल टाइम नहीं मिलता इसलिए जा नहीं पाता। अच्छा टाइम नहीं था फिर भी अपने एनजीओ के लिए इस लड़की को हायर किया और यही लड़की आपकी बेटी का अपहरण करती। ऐसे बिना सबूत के आप मुझ पे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? सबूत है ना, आपके बैंक डिटेल्स और वो 1.5 करोड़ रुपए जो आपने बैंक से लिए थे लोन पे दिशा का अपहरण होने के 1 हफ्ते पहले, वो भी गारंटी के साथ। मानो जैसे आपको तो पता ही था कि दिशा किडनैप होने वाली है। इंस्पेक्टर साहब वो पैसे तो मैंने अपनी एक बिजनेस डील के लिए लिए थे। बिजनेस डील? कैसी बिजनेस डील? मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। ठीक है मत कीजिए शेयर, लेकिन एक बात याद रखिए, दिशा के मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट आप ही हैं। मेरी कंपनी में एक हादसा हुआ था जिसमें सुनंदा के बेटे की डेथ हो गई थी, फिर इंस्पेक्शन ऑफिसर्स ने मेरे माल को लो क्वालिटी बताकर मेरा लाइसेंस कैंसिल करने के लिए कहा। उन्हीं ऑफिसर्स को रिश्वत देने के लिए मैंने लोन लिया था। तो फिर इस लड़की का इस पूरे बात से क्या कनेक्शन? इंस्पेक्टर साहब ये लड़की भले ही मेरे एनजीओ में काम करती हो लेकिन मैं इसे नहीं जानता हूँ सच में। ये एनजीओ के लिए मार्केटिंग वालों को क्यों हायर कर रही थी? सर इस बात पर तो मुझे भी डाउट है,
सर इसमें उसका एड्रेस मेंशन है, अगर आप कहें तो मैं पता लगाऊं। चल के खत्म कर देते हैं उस नित्या को। अरे उसी ने तो बोला वो अकेली रहती है। चंद्रेश सोचने का वक्त नहीं है। भूषण, भूषण सर भागा क्यों? सर मैंने कुछ नहीं किया, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, नित्या की गलती थी। तुम तीनों की सारी हरकतें उसमें रिकॉर्ड हो रही है। अरे क्या हुआ, मारो ना। हाँ देखो अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो पुलिस को सब दिख जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, इन सब के इल्जाम में फंसाऊंगी तुम तीनों को मैं। और तू मैडम प्लीज हमें माफ कर दो, आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। ये पुलिस के लफड़े में मत फंसाइए प्लीज मैडम प्लीज। साहब वो नित्या लालची लड़की थी, बोली कि मैं जॉब से तंग आ गई हूँ, मुझे एक साथ ढेर सारा पैसा चाहिए। तो किडनैप करके पैसे ही चाहिए थे तो फिर मारा क्यों? साहब ये मैं नहीं जानता। अरे मुझे और अमित को तो उसने सामान लाने बाहर भेज दिया था, और जब वापस लौटे तो नित्या बोली कि लड़की गलती से मर गई है, तुम दोनों कहीं जाकर छिप जाओ होटल या लॉज में। फिर कुछ दिनों के बाद वो पैसा लेकर के आई और बोली कि तुम लोग गाँव निकल जाओ यहाँ से। तो पैसे कहाँ हैं और वो लोग कहाँ हैं? पैसे तो उसने बोला कि जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हें मिल जाएंगे। और अमित तो जयपुर निकल गया और नित्या चंद्रेश को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई, शायद मुंबई। नहीं नहीं पुणे चली गई थी। हेलो क्या गुप्ता? यस सर। कोई तो कनेक्शन है नित्या और जग्गा के बेटे बबलू के बीच। सर इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, आपको ऐसा क्यों लगता है? जग्गा का बेटा पुणे में रहता है और नित्या और चंद्रेश भी पुणे की बस में भागे। हो सकता है कि नित्या ने ये सब जग्गा के कहने पे किया हो। यस सर, बबलू भी पुणे की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी स्काई हाई में काम करता है। अगर बबलू पकड़ में आ गया तो हो सकता है कि जग्गा भी पकड़ में आ जाए। और तुम नित्या और चंद्रेश की फोटो भी वहां की लोकल पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। यस सर। दिशा को किडनैप करने से लेकर उसे मारने तक की सारी प्लानिंग तेरी थी ना, कैसे फंसा एक बच्ची को अपने जाल में? सर आसान काम नहीं था, मैं जब उस पर नजर रख रही थी तभी समझ गई थी कि लड़की को डेयरिंग पसंद है, बस अपने माँ बाप के डर से कुछ करती नहीं है। एक दो बार मॉल में उससे टकराकर सॉरी बोलने के बहाने मैंने उससे दोस्ती कर ली। दिशा ये दुनिया कायरों की नहीं डेयरिंग वालों की होती है, लाइफ का हर एक पल इंपॉर्टेंट होता है और जो लूजर्स होते हैं ना वो सिर्फ सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं और हम जैसे विनर्स जो होते हैं वो करने में। अब तो डिसाइड कर ले तुझे विनर बनना है या लूजर। और फिर कुछ दिनों बाद मैं उसकी फेवरेट हो गई, जैसा कहती थी वो वैसा ही करती थी। अरे दिशा। अरे नित्या दीदी यार सुनना, मुझे तुझसे कुछ काम है, मेरे साथ चलना 5 मिनट। पर मुझे तो पापा का बर्थडे केक बनाना है। अरे बस 5 मिनट की बात है, चलना यार। ओके चल आ जा। जब पैसे मिल गए थे तो सुनंदा को क्यों मारा? सर पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना था। चले बता दिशा कहाँ है, तुम दोनों इतने होशियार तो नहीं लगते कि ये सब प्लान कर सको। ये जग्गा का प्लान था ना, कहाँ है जग्गा? कौन जग्गा सर? बनो मत, जग्गा ने 8 साल पहले राजेश की माँ को उठाया था और अब उसकी बेटी को, और तुम दोनों जग्गा के बेटे बबलू के घर से ही पकड़े गए। जग्गा मर चुका है साहब, राजेश ने अपनी माँ को मारने के लिए जग्गा को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसने धोखे से जग्गा को मार डाला। और तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं ही हूँ जग्गा का बेटा, चंद्रेश उर्फ बबलू। बबलू मतलब तूने ये सब जग्गा की मौत का बदला लेने के लिए किया? हाँ, पर ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड नित्या ने मेरी मदद की, पर उसे ऐसा लग रहा था मैं सब पैसों के लिए कर रहा हूँ। नित्या का इस्तेमाल करके उन दोनों को फंसाया। बदला बली मांगता है सर, मैं किसी भी कीमत पर राजेश की तबाही देखना चाहता था। आप जो सजा देना चाहते दीजिए, मुझे कोई अफसोस नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब वो एक मुजरिम है, उसने कहा और आपने मान लिया। और कितना झूठ बोलोगे, जायदाद के लिए अपनी माँ को मरवा दिया और उसकी सजा मिली मेरी बेटी को। अब कोई रास्ता बचा नहीं तुम्हारे पास, सीधे सीधे बता दो कि जग्गा और तुम्हारी माँ की बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया है। जग्गा को मैंने टिंचा फॉल से धक्का दिया था और माँ को
जिस राजेश के लिए पैसों का मोल अपने परिवार से भी ज्यादा था, वही लालच अनजाने में उसकी बेटी की मौत का कारण बना। चंद्रेश नफरत की उस खाई में गिरा हुआ था जहां उसे नफरत के अलावा और कुछ नहीं सूझा। लालच और नफरत, ये वो दो नकारात्मक भावनाएं हैं जिनकी दस्तक से ही हमें सतर्क हो जाना चाहिए और इस केस से सबक लेना चाहिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। भले ही समय लगे, लेकिन ऊंचाई पर सिर्फ कड़ी मेहनत से ही पहुंचा जा सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।